हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारी पल्सर 180 UG4 और आज हम दिखाएंगे कि अगर इसके हॉर्न ख़राब हो गए हो तो इसको बहुत आसानी से कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हॉर्न है हमारे पल्सर के और ओरिजिनल है। ये कोई आफ्टर मार्केट या कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये हॉर्न बहुत कम पावर कंजप्शन लेते हैं और बहुत अच्छा इसका साउंड होता है। वाटरप्रूफ भी होते हैं, सालों साल तक चलते हैं। लेकिन अभी तो ये गाड़ी भी 10 साल पुरानी हो गई है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इतने ज़्यादा तो किसी के हॉर्न नहीं चलेंगे। तो इस टाइप के हॉर्न को हम ट्यून करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ तो वो रिपेयर नहीं होगा क्योंकि ये खुल नहीं सकते, ये सील आते हैं। लेकिन अगर किसी के हॉर्न की साउंड कम हो गई हो या फिर आवाज़ बंद हो गई हो तो ये वाले आइडिया से इसको चालू कर सकते हैं। अभी मैं आपको हॉर्न बजा के दिखाऊंगा। वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको लगेगा दोनों हॉर्न अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इसमें राइट साइड वाला हॉर्न थोड़ा सा धीमा हो गया है। अभी दोनों हॉर्न को एक एक करके वायर को निकाल के अलग अलग से मैं चलाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। इसका मैं एक वायर निकाल देता हूं, सिर्फ राइट वाला ही चलेगा। अब जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता, थोड़ा सा धीमा है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। अभी मैं ये वाला हॉर्न भी आपको टेस्ट करा दूंगा। ये वाला हॉर्न अच्छे से चलता है। और ये हॉर्न कभी कभी चलता है, कम वॉल्यूम पे चलता है, कभी ज़्यादा वॉल्यूम पे चलता है। जितना आवाज़ होना चाहिए उससे कम आवाज़ में चलता है। तो आज हम ये वाले हॉर्न को ट्यून करेंगे। हॉर्न को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी वाले क्या करते हैं, इसके अंदर वो हॉट सिलिकॉन हॉट ग्लू आता है, वो इसके अंदर भर देते हैं ताकि ये स्क्रू को कोई छेड़छाड़ ना करे और वाइब्रेशन से भी ये स्क्रू ढीला ना हो। इसके अंदर स्क्रू है तो इसको हम निकालेंगे सिलिकॉन को और स्क्रू से ट्यूनिंग करके ट्राई करेंगे। अभी हमने इसका सिलिकॉन निकाल दिया है, ज़्यादा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रू ड्राइवर अंदर घुसना चाहिए और इसको फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जितने भी ब्रांडेड हॉर्न होते हैं उसमें यहाँ पे सिलिकॉन भरा हुआ होता है और लोकल हॉर्न में एडजस्टिंग स्क्रू ओपन होता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो जितने भी हॉर्न होते हैं जिसमें एडजस्टिंग के लिए स्क्रू आता है उसको आप एडजस्ट करके साउंड को ट्यून कर सकते हो, या फिर शायद बंद हो जाए तो एडजस्ट करके चालू भी हो सकता है। 100% मैं गारंटी नहीं दे सकता चालू होने की, क्योंकि अंदर जो कॉइल आती है अगर वो जल गई हो तो हॉर्न चालू नहीं होगा। हमने छोटे स्क्रू ड्राइवर से ये सारा सिलिकॉन फाड़ दिया है, निकाल दिया है और थोड़ा सा इसको ट्यून भी किया है। जितनी भी बाइक्स में ड्यूअल हॉर्न होते हैं, चाहे वो कंपनी फिटेड हो या फिर आफ्टर मार्केट हो, उसमें ऐसा सेटिंग होता है कि एक हॉर्न की आवाज़ पतली होती है और दूसरे हॉर्न की आवाज़ मोटी होती है और दोनों साथ मिलके
काम करते हैं। तो ये पतली आवाज़ वाला हॉर्न है, तो इसको हमने ट्यून किया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कैमरे में अच्छी आवाज़ ना रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन पहले से फ़र्क तो बहुत अच्छा पड़ गया है। सिर्फ एक ही हॉर्न है, वो वाले हॉर्न के वायरिंग हमने निकाल दिए हैं, अभी हम उसको भी लगा देंगे और दोनों को एक साथ चला के दिखाएंगे। अभी हमने दोनों हॉर्न के वायरिंग को लगा दिया है और अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। शायद कैमरे में आपको पता ना चले, लेकिन इसकी साउंड में अब बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, ओरिजिनल पल्सर वाला साउंड आ गया है और हाईवे पे इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम पे साउंड चलेगा, क्योंकि जब भी इंजन चालू होता है तब वोल्टेज कम से कम 13 से 14 वोल्ट आते हैं, तो हॉर्न ज़्यादा अच्छा चलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।